हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनंदा ऐप जो आपके लिए LIC अवेलेबल करा चुकी है ऑनलाइन पॉलिसी करने के लिए, यानी घर बैठे आप LIC की पॉलिसी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी दिए हैं कि कैसे कैसे करना है, लेकिन जिनके पास आज भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, अब आप ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑनलाइन बना सकते हैं और आप अपनी पॉलिसी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपको अपना आनंदा ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड या अपने एजेंट पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है घर बैठे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो चलिए आज हम देखते हैं कि आपको अपना लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करना है ताकि आप अपने पॉलिसी को देख सके कि कितना आपने पॉलिसी किया, क्या आपका स्टेटस है और आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सके। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ LICIndia.in या LICIndia.com की वेबसाइट पर। आपको लिखना है LICIndia.in या LICIndia.com। फिर वहां पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का। ऑनलाइन सर्विसेज में आपके पास है एजेंट पोर्टल। अब एजेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एजेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे, आपके पास मांगेगा यूजर कोड और पासवर्ड जो आपके पास नहीं है। अब अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, उसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश, आप हिंदी कर दीजिए तो आपकी ये जितने भी लैंग्वेज लिखे हुए हैं हिंदी में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपके पास खाता नहीं है, तो आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इंग्लिश में आपको देखना है तो यहाँ पर इंग्लिश क्लिक कर लीजिए। और अब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो लिखा हुआ है डू नॉट हैव अ अकाउंट टू साइन अप फॉर ई ऐप और आनंदा, यानी एप्लीकेशंस के लिए आपके मोबाइल ऐप या अपने एजेंट पोर्टल के लिए आपको यहाँ पर साइन अप करना है और आनंदा के लिए भी साइन अप करना है। तो यहाँ पर हम इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप क्लिक कर लीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे दिया, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अब आपके पास ये पोर्टल क्रिएट होकर खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा है क्रिएट योर LIC अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बगल में लिखा है एजेंट, यानी ये एजेंट के लिए पोर्टल है। सो यहाँ पर हम अपना एजेंसी कोड डालेंगे। आपका जो भी एजेंसी कोड है आप अपना एजेंसी कोड डालिए और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल, और फिर कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपना एजेंसी कोड डालना है। एजेंसी कोड में आपको ब्रांच नंबर के साथ कंप्लीट डिटेल्स डालना है। अब आपको ऐसे डिटेल्स डालने हैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालने हैं और ये डेट ऑफ बर्थ जो आपके डिटेल्स में है वही होना चाहिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर आपको डालना है, मेल या फीमेल, आप मेल या फीमेल डालिए। और यहाँ पर दोनों जो ऑप्शंस दिए हुए कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिटेल्स आपका ही है, और आपको यहाँ पर इस टाइप से आपको दिखेगा कि आपके पास OTP भेज दिया गया है। OTP भेजने के बाद ये आपके पास पेज खुल जाएगा कि सेट योर पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको OTP डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर OTP आया है। सो OTP डाल दीजिए, आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए। पासवर्ड आपको ऐसे सेट करना है जिसमें आपके कोई स्पेशल की और जिसे ये स्पेशल की नीचे दिया होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो बार पासवर्ड आपको डालना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लिया है, रिसेट कर लिया है, आपने भी कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको हम एक्सेस करके देखते हैं कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर से हम आ गए पेज पर LICIndia.in या LICIndia.com पर। और यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एजेंट पोर्टल और आनंदा। तो सबसे पहले हम आनंदा ऐप पर, क्योंकि हमें पॉलिसी ऑनलाइन कोई भी करना हो तो आनंदा ऐप के थ्रू करेंगे। आनंदा के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं कैसे आपको पॉलिसी क्रिएट करना है। और फिर अब जब आनंदा ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर मॉड्यूल्स यूजर है, मॉड्यूल्स यूजर में जाना है आपको, और एजेंट CLIA विद पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड बनाया है उससे भी कर सकते हैं, और एजेंट CLIA विद OTP, ये सबसे आसान है। आपको पासवर्ड का जनरेट खत्म, आपके पास मोबाइल है तो आप यहाँ पर एजेंट CLIA विद OTP कीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे आपको एजेंसी कोड मांगा जाएगा, तो आप अपना एजेंसी कोड, ठीक है, एजेंसी कोड डालने के बाद यहाँ पर गेट OTP कीजिए।
जैसे ओटीपी करेंगे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी जो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर आपको ओटीपी भेज दिया गया है, जो आपकी मोबाइल है मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है। सो मेरे पास भी ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी डालकर चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हमने ओटीपी डाला और प्रोसेस कर दिया। देखिए प्रोसेस करने के बाद ये पेज खुल गया, ये पेज आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन गया है और आप काम आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे की सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है, जाकर आप अपना देख सकते हैं कि आनंदा के साथ आपको जाकर ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करना है और कैसे पॉलिसी लॉगिन करना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे यूट्यूब पर कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।